हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। क्या आपके पास शिक्षक बनने की सभी योग्यता मौजूद है? क्या आपकी योग्यताओं में कुछ कमी है? क्या आप जान रहे हैं कि वास्तव में क्या क्या योग्यताएं कौन से विषय के लिए आवश्यक होती है? यदि नहीं जान रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हो सकता है। आज हम इस वीडियो में पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे कि आपको एक सरकारी शिक्षक बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं जो कि आवश्यक होती है। तो बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको उन तमाम योग्यताओं के बारे में पता चल सके जो कि एक गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए आवश्यक होती है। तो चलिए देर न करते हुए हम सीधे वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको इस वीडियो के माध्यम से शो हो रहा होगा, हम दोस्तों सबसे शुरू बात करें सहायक शिक्षक की। ठीक है, सहायक शिक्षक की क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो देखिए, ये राजपत्र 2019 की जानकारी है जो कि 5 मार्च 2019 को प्रकाशित किया गया था। यदि आप भी सहायक शिक्षक बनना चाहते हैं तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना आवश्यक है। यदि ये नहीं है तो न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा आप उत्तीर्ण हो। साथ ही साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के आधार पर प्राप्त किया गया हो। या दोस्तों 50% अंकों के साथ प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र जो कि BLED या 4 वर्षीय जो इंटीग्रेटेड कोर्स है वो यदि आपके पास मौजूद है, या आपने BED कर रखा है, तो भी आप सहायक शिक्षक बनने के लिए योग्य हैं दोस्तों। इसके अलावा एक अतिरिक्त जो योग्यता आवश्यक होती है, देखिए खंड डी में स्पष्ट है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा। तो दोस्तों देखिए, आपका समुचित सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा, जिन्हें हम TET कहते हैं, तो TET की परीक्षा प्राइमरी लेवल का आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। इस प्रकार सहायक शिक्षक बनने के लिए आपको संबंधित, देखिए 12वीं कक्षा कम से कम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो, आरक्षित कैटेगरी के लिए 45%, BED या DED DLED की परीक्षा भी आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ TET की परीक्षा, चाहे आपने CTET की परीक्षा उत्तीर्ण किया हो या CGTET की परीक्षा उत्तीर्ण किया हो, आप दोनों के लिए पात्र हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखें तो शिक्षक पद के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। शिक्षक अर्थात Grade 2 वर्ग 2 अपर प्राइमरी लेवल, जिसमें कक्षा 6वीं से 8वीं तक के शिक्षक बनते हैं, तो इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर आपके शो हो रहा होगा कि स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र जो कि चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, में 2 वर्षीय डिप्लोमा, अर्थात आप संबंधित विषय में स्नातक हो। साथ ही साथ यदि आपने BED या DED DLED कर रखा है तो आप शिक्षक बनने के लिए पात्र हैं, या न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक व BED की 1 वर्षीय पाठ्यक्रम आपको उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ये योग्यता आपके पास मौजूद है दोस्तों, तो आप शिक्षक बन सकते हैं। या दोस्तों इसके अलावा भी दिया हुआ है, उसको भी आप गौर करें, तो न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं BED में 1 वर्षीय स्नातक। देखिए इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मान्यता प्राप्त नियमों के आधार पर हो। ठीक है, या दोस्तों न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक समकक्ष एवं 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड जो कोर्स आता है, BSc BED BA BED,
यदि ये भी योग्यता आपके पास मौजूद है तो भी आप योग्य हैं। या दोस्तों, न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा एक वर्षीय बीएड यदि आपने विशेष शिक्षा में ले रखी है तो भी आप पात्र माने जाएंगे। इसके अलावा एक और योग्यता है जो सभी के लिए आवश्यक है, वो है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किए गए सिद्धांतों के आधार पर टीईटी की परीक्षा। अर्थात दोस्तों, स्नातक होना चाहिए, बीएड, डीएड या डीएलएड होना चाहिए, साथ ही साथ आपको टीईटी की भी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यदि ये योग्यताएं आपके पास मौजूद हैं तो आप शिक्षक पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए, शिक्षक पद में अलग अलग विषयवार भी शिक्षक पद होते हैं, उसके लिए योग्यता भी अलग अलग होती है। तो बात करें हम शिक्षक पद के लिए अलग अलग स्नातक स्तर पर विषय क्या क्या होना चाहिए। देखिए, यदि आप अंग्रेजी के शिक्षक बनना चाह रहे हैं दोस्तों, तो आपने यदि फंडामेंटल आधार पाठ्यक्रम में हिंदी अंग्रेजी लिया है तो कभी भी आप उस विषय के शिक्षक नहीं बन सकते। इसको याद रखेंगे, पिछली भर्ती में बहुत सारे साथी जिनका सामान्य था अंग्रेजी या सामान्य जो विषय था उसको लेकर उन्होंने सब्जेक्ट शिक्षक में आवेदन कर दिया था, जिसके वजह से वे लोग अपात्र थे। तो जिस विषय के शिक्षक बन रहे, मान लीजिए आपको अंग्रेजी विषय के शिक्षक बनना है तो अंग्रेजी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय होना चाहिए, ठीक है। यदि आपका अंग्रेजी साहित्य स्नातक में एक विषय है तो आप अंग्रेजी शिक्षक बन पाएंगे। बात करें हम हिंदी शिक्षक की, तो हिंदी साहित्य में एक विषय होना चाहिए। यदि आप बीएससी करते हैं तो आपका हिंदी साहित्य नहीं होता दोस्तों, लेकिन आप बीए करते हैं अंग्रेजी हिंदी साहित्य लेकर, तो वहां पर आपका हिंदी साहित्य एक विषय के रूप में है, तो आप हिंदी के शिक्षक बन सकते हैं। बात करें सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की, तो इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र या राजनीति विज्ञान में से कम एक विषय आपका स्नातक स्तर पर होना आवश्यक है, तभी आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बन पाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा देखिए, आपका जीव विज्ञान की हम बात करें तो रसायन शास्त्र, वनस्पति, प्राणी, सैन्य विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान में से यदि कोई भी दो विषय स्नातक स्तर पर हो तो आप जीव विज्ञान के शिक्षक बन पाएंगे। संस्कृत की हम बात करें तो स्नातक स्तर पर आपका संस्कृत साहित्य एक विषय के रूप में रहा हो या बीए होना चाहिए क्लासिक्स में या स्नातकोत्तर हैं। देखिए, शिक्षक के लिए यदि आपने एमए संस्कृत में किया है तो भी आप शिक्षक पद के लिए आवेदन करने हेतु पात्र हैं। बात करें दोस्तों हम गणित विषय की, तो गणित कम से कम दो विषय जिसमें आपका भौतिक, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सांख्यिकी, सैन्य विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान में इनमें से कोई भी दो विषय यदि आपने ले रखा है, ठीक है, गणित के साथ में, तो आप शिक्षक बनने के लिए गणित विषय के लिए योग्य माने जाएंगे। बात करें दोस्तों उर्दू शिक्षक की, तो इसमें आपका बीए होना चाहिए उर्दू में। कृषि की हम बात करें तो आप एग्रीकल्चर की पढ़ाई आपने यदि कर रखा है स्नातक स्तर पर तो आप कृषि विषय के शिक्षक बन सकेंगे। साथ ही साथ संगीत की हम बात करें दोस्तों, तो संगीत की पढ़ाई, तबला की पढ़ाई आपने यदि कर रखा है तो इस विषय के शिक्षक आप बन सकते हैं। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है दोस्तों कि आपका कृषि शिक्षक, संगीत शिक्षक और तबला शिक्षक, इन तीनों के लिए टेट आवश्यक नहीं है, ठीक है। आपने यदि टेट क्लियर नहीं किया है तो आप तब भी आप इन तीनों के शिक्षक बन पाएंगे, क्योंकि इसके लिए ना तो हमें बीएड करने की आवश्यकता है, ना तो हमें डीएड या डीएलएड करने की आवश्यकता है, न ही हमें टेट की परीक्षा देने की आवश्यकता है। अर्थात यदि आपने एग्रीकल्चर की पढ़ाई, संगीत की पढ़ाई, तबला की पढ़ाई किया हुआ है तो आप इन पदों के लिए आवेदन करने हेतु पात्र हैं, इनको भी आप गौर करेंगे। ये जरूरी योग्यताएं हैं दोस्तों जो कि एक शिक्षक बनने के लिए आवश्यक होती है।
आप इन तमाम विषयों को उनके अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं अर्थात क्या क्या योग्यताओं के लिए हम क्या क्या विषय पढ़ें ताकि उस विषय के शिक्षक बन सकें, इसकी पूरी डिटेल्स इस राजपत्र में उल्लेखित किया गया है जिसे हमने एकदम से क्रमवार आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। अगले वीडियो में फिर कुछ नई अपडेट के साथ मिलेंगे। जय हिंद।